बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में ईद उल फितर का इख्तिताम हो चुका है, ड्रमा दवा जिंदगी कारोबारी हो चुकी है। इस ईद से पहले जो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा था, जो बेसिकली कारोबार के लिहाज से बहुत अहम सुतून और रीढ़ की हड्डी के तौर पे देखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ जो कारोबारी शख्सियात हैं, ताजिर हैं, वो अपने अपने स्टॉक को ख़ास तौर पे जो ईद के ख़रीदारी की चीज़ें हैं उनको स्टॉक करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, इंतज़ार करते हैं। और ये सीज़न शुरू हो जाता है शबान के महीने से रमज़ान के आखिरी यानी चांद रात तक ये सीज़न चलता है। लेकिन इस साल बदकिस्मती से माशी सूरत हाल और मुल्क के मामलात, जिसके बायस लोग पैसे निकालने से कतरा रहे हैं, दूसरी तरफ जेब कुव्वत ख़रीद इजाज़त ना देने की वजह से ख़रीदारी मांद पड़ गई थी। सारी उम्मीदें ईद की आमद से कबल रमज़ान के आखिरी अशरे में थी, बिलखसूस आखिरी हफ्ते में। लेकिन इत्तलात मुल्क भर से जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हासिल की, उससे ये मालूम हुआ कि मतलूबा तादाद में सेल नहीं हो सकी और लोग सख्त माशी बहरान में मुब्तला हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह वही है जो मैं बता चुका हूँ कि क्रेडिट पर होती है, और रमज़ान के ख़त्म होने के बाद अदायगी का शेड्यूल जारी होता है। अमूमन ईद के एक हफ़्ते बाद पेमेंटें करनी होती है, ख़ास तौर पे गारमेंट्स हैं, लेदर शूज़ वग़ैरह हैं, चूड़ियाँ हैं, और जो कॉस्मेटिक्स हैं और कपड़े वाले हैं, और जितने जितने इस टाइप की चीज़ें हैं, मेवा जात हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं, पर्दे हैं, कालीन वाले हैं, और प्लास्टिक की अशिया जो होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन पे बिछाने वाले, और कलर्स वाले, और इसी तरह दीगर कई शोबे ऐसे होते हैं जो इससे वाबस्ता होते हैं, और वो उम्मीदें बांधते हैं कि नया ईद के मौके पे सब कारोबार ज़िंदगी चलेगा और उनका कारोबार ऊंचाई की तरफ जाएगा। लेकिन इस दफ़ा सब धरे के धरे रह गए, और हमारे जो ताजिर रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना में भी 30 अरब रुपए की सेल हुई थी, अब के 19 अरब रुपए, 18-19 अरब रुपए की हुई। तो मैं ज़रा दूसरी बात बताता हूँ, वो ये है, अगर कोरोना में 30 अरब की सेल हुई तो उस ज़माने में 500 रुपए का और 600 रुपए का बच्चों का छोटा जूता आता था, जो अब 1500 से 2500 रुपए के करीब है। इसी तरह डॉलर उस ज़माने में 160-170 के करीब था, जो आज पोजीशन उसकी जो है वो 290 के करीब पहुंच चुकी है ओपन मार्केट में, इससे भी ज़्यादा है, यानी 282 रुपए के करीब चल रही है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए की सेल होनी चाहिए थी कराची शहर में, जो नहीं हो सकी। इसी तरह मुल्क भर से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो नहीं। अब जब माल स्टॉक है, अब जब कारोबार ज़िंदगी जो कल से खुलेंगे, क्योंकि बैंक कल से खुलेंगे, सरकारी फेडरल गवर्नमेंट की छुट्टियां 25 तारीख तक हैं, कल से ऑन किया जाएगा, तो पता ये चलेगा क्या सेल हुई क्या सेल नहीं हुई, और अदायगी का शेड्यूल दिया जाएगा। लगता यह है कि एक नया माशी बहरान जन्म लेगा अगला हफ्ता जो शुरू होगा उसके अंदर, लोगों की सेल ना होने की वजह से स्टॉक रिटर्न किया जाएगा और वो नीचे से ऊपर तक ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो हालात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करे। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बिलखसूस, इसमें अब की दफ़ा लोगों ने बहुत सारी मार्केटें जो है वो ईद के दूसरे दिन भी खुली, यानी दुकानें शॉप्स, पूरी पूरी मार्केटें नहीं, लेकिन ईद के तीसरे दिन और आज चौथा दिन हो गया है और मार्केटें तकरीबन सब खुल गई हैं, लेकिन गाहक मौजूद नहीं है। इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में भी विंडो शॉपिंग वाले नज़र आए, लेकिन ख़रीदारी करने वालों की तादाद थोड़ी थी। तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करे। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील,
चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ख़बरें वक्त पे मिले। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रमज़ान के आखिरी अशरे में ये एक सिस्टम पंच मोबाइल का चला है और चाइना की मारूफ ब्रांड जो है उसके कुछ यानी जो ग्रुप है उसकी कुछ ब्रांड जो है वो बहुत थोक के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है विदाउट वारंटी या विदाउट पीटीए, जो कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि कुछ पे पंच हुआ हुआ है, कुछ जो है वो बगैर वारंटी के पीटीए अप्रूव के बगैर है। समझ से बालातर है ये पीटीए के अप्रूव के बगैर डायरेक्ट कैसे आ सकता है, इसका मतलब है वो गिरे के रास्ते आया है और गिरे के रास्ते ही चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो अब लड़ाई झगड़े की पोजीशन आ गई है लोग, क्योंकि वजह यह है कि विदाउट पीटीए और पीटीए में 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से लोग उसको तरजीह दे रहे हैं और एक नया फड्डा खड़ा होने जा रहा है कि अगर ख़राब होगा तो उसकी ना वारंटी है ना कोई ऐसा है। तो मेरे दोस्तों से चाहने वालों से गुजारिश ये है कि ख़रीदारी करें, वारंटी मुस्तनद इदारे की लें, मुस्तनद चीज़ लें। उसकी वजह वही है कि आप जब वारंटी पे जाएंगे तो जिसकी वारंटी नहीं है वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बता के दुकानदार बेच रहा है। लेकिन ये झगड़े की इब्तिदा होने जा रही है ईद के बाद, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्रैक डाउन होने की तरफ पीटीए जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इसकी बुनियादें किस तरह हिलती हैं। लोग अपने मुनाफे को देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल की फ़िक्र छोड़ दी है उन्होंने। और जिन लोगों के जो छोटे लोग हैं बड़े आइटम, तो अगर कोई एप्पल विदाउट पीटीए लेता है तो समझ में आता है उसकी वजह ये कि वो अफोर्ड कर सकता है पीटीए की ड्यूटी भी, और ईद के बाद वैसे ही कम हो जाएगी यकीनी तौर पर। जब वर्किंग डे कल से शुरू होगा तो कोई एसआरओ जारी यकीनी तौर पर हो जाएगा, लेकिन छोटे मोबाइल वाले पिस के रह जाएंगे। तो विदाउट वारंटी आप ले तो रहे हैं लेकिन ये गले में घंटी बनेगी आपके। तो दोस्तों से गुजारिश है कि सबका ख्याल करें अपने कारोबार के साथ साथ, बेहतर दुआ के साथ फिर आपसे कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।